मार रहे ड्रिफ्ट। हाय दीदी। भैया अब हमें शिकारा में घुमाएंगे। भैया भैया आपका नाम? सलीम भाई। शंकराचार्य टेम्पल गए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9:20 बज रहे हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ और एक दो जन रेडी होना बाकी है, वो भी हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला था, आराम से आज पूरा श्रीनगर घूमेंगे, दो तीन गार्डन घूमेंगे, शिकारा राइड करेंगे और लाल चौक घूमेंगे, ठीक है? तो रेडी तो मैं हो गया हूँ, बस ये मॉइस्चराइज़र लगाना बाकी है। और यार ये मॉइस्चराइज़र मत भूलना, मतलब इधर आके भी ख़रीद सकते हो, भूलने की कोई चीज़ नहीं है, बट लगा लेना, क्योंकि सच में स्किन फटती है भले तुम कितने भी ठंडी में रहते हो। यहाँ के लोग भी ये यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, 10:15 बज चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। और आज हमारे पास कार नहीं है, तो सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। और 4 से 5 चीज़ें कवर करनी है, जैसे कि शंकराचार्य टेम्पल, परी महल, बॉटनिकल गार्डन और चश्मशाही गार्डन और शिकारा राइड। बैठ चुके हैं हम कार में। और ऐसे आपको भी अगर करवानी हो तो टैक्सी स्टैंड्स होते हैं, बहुत जगहों पे होते हैं, आप मैप्स में डालोगे फिर भी आ जाता होगा ना टैक्सी स्टैंड। तो हमने तो घाट नंबर 7 से करवाई है, बट आप किधर भी हो तो टैक्सी स्टैंड तो मिलेगा ही, तो वहाँ से आप करवा सकते हो। और भैया, भैया आपका नाम? मेरा नाम जुबैर। जुबैर, जुबैर भैया हमें घुमाएंगे सारी जगह। शंकराचार्य जा रहे हैं पहले, तो शंकराचार्य पे मैंने सुना कि नहीं ले सकते वीडियो वगैरह, ऊपर नहीं ले सकते, तो रास्ते पर ले सकते हो ना, आप कवर कर सकते हो। ओके, तो ऊपर नहीं ले सकते, बट रास्ता जितना मैं दिखा सकता हूँ मैं तो आपको दिखाऊंगा, बाकी देखते हैं आगे। यहाँ तक ही होता है, फिर यहाँ से सफर पैदल करना पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने उतारा, फिर लगभग 300 सीढ़ियाँ इधर से देखा अन्नाज से। सांस फूल गई चढ़ते चढ़ते। वहाँ से आए हम, दिख रहा है और नीचे, और नीचे दिखाई भी नहीं दे रहा। पहुँच गए हम गेट के बाहर, खड़े हैं। लाइन है जाने के लिए। पहुंच गए हम हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, चश्मशाही गार्डन। अभी पहले टिकट लेनी है। ये प्राइस है मुगल गार्डन, चश्मशाही गार्डन एक ही है। इस जगह को चश्मशाही इसलिए बोलते हैं क्योंकि चश्मा मतलब स्प्रिंग और शाही मतलब रॉयल, वो तो आपको पता है, तो रॉयल स्प्रिंग। भैया ने बोला कि बहुत साफ पानी है, इसको आप पी सकते हो, तो सब पी रहे हैं। देख लिया मुगल गार्डन, अब आ चुके हैं परी महल पे। टिकट्स दिखाता हूँ, सेम प्राइस सेम एवरीथिंग। परी महल, ये गुफा है गाइस, अभी मम्मी जाके बताएगी क्या है सब। साहब इधर से व्यू देखो भाई, आए ब्रो इधर भी है कुछ कुछ। सबसे पहले ऊपर थे हम, फिर उसके ऊपर गए, फिर अभी नीचे आए और भी नीचे है, बट अब लेट हो रहे हैं, तो चलो नेक्स्ट स्टॉप की तरफ।
परिमहल गार्डन घूम लिया, 4 बज चुके हैं और वापस इधर जाम लग चुका है, फिर शिकारा राइड करेंगे। और एक एडवाइस, वो श्री शंकराचार्य जो टेंपल है ना उसमें बहुत चलने का है, मतलब ऊपर जाओ चढ़ाई 1 किलोमीटर और उसके बाद 200-300 स्टेप्स भी चढ़ने, तो वहाँ पे बहुत बार जाम लग जाता है। तो अगर आपके ड्राइवर आपको बोल रहे हैं, कुछ एडवाइस दे रहे हैं कि आज नहीं मत जाओ, तो कर देना क्योंकि बहुत चलने का है, और एजेड हो तो संभाल के जाना, बाकी 20s-30s में हो तो कोई दिक्कत नहीं, चल लोगे इतना। बाकी ये थोड़ी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। बाकी अगर कंपैरिजन बताऊं तो परी महल थोड़ी ऊंचाई पे है तो नीचे का नज़ारा सारा देखने में बहुत मज़ा आता है, पूरा वैली जैसा दिखता है, और जो मुगल गार्डन था उसमें फूल और वो ब्यूटी ज़्यादा थी, फूलों की, और वो सब कलरफुल था बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ऊपर इतना कलरफुल नहीं है, तो आपको जो ज़्यादा पसंद हो उधर ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। डेट्स की पॉइंट आ चुका है, चलो निकल गया, फोन अपना लाइफ जैकेट पहन के आगे पानी है जा रहा हूँ जेट्स की करने, तो गोप्रो सेटअप कर लेते हैं। वैन को मैंने गोप्रो सेटअप कर दिया है पूरा, रील कंटेंट ये शूट करेगी और व्लॉग कंटेंट मैं शूट करता हूँ। बहुत ज्यादा हेवी है यार, सर दर्द कर रहा है अभी से, दीदी रुको, अब देखो ये आ रहा है हैंडल और सब, देखो जल्दी देखो तेरा ये, मैं आ रही हूँ, हैंडल आ रहा है, बोट भी आ रही है ऊपर की, चलो सही है। हाँ ठीक है, ठीक है भैया, चलो भैया, पिछली बार रिकॉर्ड ही नहीं हुआ आपको पता है। हाँ आपका गलती नहीं है, वो तो पता है मुझे। भैया वो क्या है, वो अच्छा 4 मिनट, ओके भैया। ओ भाई सनसेट, क्या खूबसूरत नजारा है भैया। आपने कहाँ से सीखा? ऑस्ट्रेलिया में सीखा भैया, डैम। आपको डर नहीं लगता भैया? कोई गिरा है आज तक? कोई नहीं गिरा आज तक, बढ़िया है फिर तो। ओ कैसा रहा ब्रो? मजा आ गया ब्रो, अंकल तो ड्रिफ्ट है। हाँ एंट्री कौन दे दीजिए, 15 मिनट में अच्छा गाड़ी खड़ी है जेबी। हाँ 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 उतरे डायरेक्ट। हाँ थी भी हो, बारिश कर दू टिकट। चलो थैंक यू भैया, इसका अगर इधर आना हो तो ये दिखा दो, इसमें है सब। अच्छा इसमें सब है, अगर आपको इनसे करवाना है, इधर आना है, जेट स्की करना है, वो बनाना राइड स्पीड बोर्ड भी है, बढ़िया है, ये देख लो, पॉज करके देख लो। ओके ये दिखा दो यूट्यूब चैनल पर। हाँ ये और ये भी कांटेक्ट कर सकते हो गाइस, अंकल ने बढ़िया घुमाया, क्या ड्रिफ्टे मारी अंकल है, अंकल थैंक यू अंकल। अगर यूट्यूब पर लगाना ये, अरे जरूर लगेगा, रिकॉर्ड क्या लगेगा नहीं भैया। चलो ये टाइम लैप्स चल रहा था, चलो भैया नजारा खूबसूरत है भैया, मजा कर रहा है बच्चों को, एक नंबर। जेट स्की तो कर ली, बहुत ज्यादा मजा आया, दो दो बार की। अब शिकारा राइड के मजे लेते हैं भैया, अब हमें शिकारा में घुमाएंगे भैया। भैया आपका नाम? सलीम। सलीम भाई चलिए चलिए, अब ये दोनों माँ बेटी करेगी। हाँ। आइए, लड़कों में वो फील नहीं आ रही है, पहले आप करो फिर मैं करता हूँ। बोले भैया कश्मीर की कली बनाए गए बनना पड़ेगा, अरे एकदम आर्ट है भैया का। हाय दीदी बदल रहे कश्मीर की कली में। बॉय अरे कुछ बोलना चाह रही है? मैं नहीं जानने वाली। अरे ऐसा पप्पा आपकी जिम्मेदारी, ठीक है? वाह मम्मी तो असल में कश्मीर लग रही है। अरे करो बेड़ो तो देखा रो, नकली में क्या अंतर रखे? इसका नाम है मीना बाजार मार्केट, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग आता है,
बहुत लोग घूमने के लिए। भैया आपका नाम? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद, ठीक है भैया, फोटो कैसे ट्रांसफर करोगे? अभी फोन में करेंगे ना आप, चलो उधर। ठीक है, अपना नंबर दे दो ना, अपना व्हाट्सएप नंबर। हाँ अच्छा, छह महीने यहाँ रुकता हूँ, छह महीने में गोवा में। गोवा में कहाँ? गोवा में आरंबल। आरंबल, हाँ। मेरे ख्याल से मेरा पैदाइश है यहाँ का, मैं अगर बढ़ गया तो गोवा में। अच्छा, हमारा गुजरात का एक बंदा है, हाँ? उसको वही भी साथ में था, एक बच्चा भी है, हाँ? उसका और मेरा समझो दो रूम था, एक रूम में वो रहता है, एक रूम में मैं। अच्छा, हमारा शॉप एक ही जगह पे है। अच्छा, अगर देखा है मैंने, सबसे अच्छा आदमी वो देखा है। भैया एक डाउट है, हाँ। मतलब मैं कल भी किसी को मिला था, वो भी भैया बोल रहे थे कि मैं ये घुमा वो घुमा सब घुमा, तो इतना कैसे घूम लेगा हमसे भी ज्यादा? किधर उधर? हाँ, मैंने इसलिए घूमा है क्योंकि जब मैं घर की तरफ वापस आता हूँ ना छह महीने के बाद, हाँ। मैं दिल्ली में एक बार वो हमेशा के लिए 7-8 दिन के लिए रुकता हूँ। बोल रहे उनके अंकल का शॉप है, चलो देखते हैं। ये भैया ने बोला वो शॉप। सनसेट के बाद तो डल लेक में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है, नहीं? हाँ, उसके बाद क्योंकि पानी भी है और ठंडा तो वैसे ही है। ठीक है भैया, बाय, बहुत मजा आया आपके साथ। थोड़ी स्ट्रीट मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है। डिनर डन, रात के 11 बज चुके हैं, पैकिंग हो चुकी है। ये हमारा लास्ट डे था कश्मीर में और कल सुबह तो हमारी फ़्लाइट है, 6 बजे निकलना पड़ेगा इधर से। 9:50 की फ़्लाइट है बट हमको बोला गया है कि 4 घंटे पहले निकलना है, तो ये भी एक मतलब पीस ऑफ एडवाइस थी जो सबने दी कि 4 घंटे पहले निकलो, बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो श्रीनगर एयरपोर्ट से अगर निकल रहे हो किसी भी फ्लाइट के लिए तो 3 से 4 घंटे हाथ में लेके निकलना, ठीक है। और पैकिंग हो गई है, आपको मैंने रूम टूर नहीं दिया सहारा ग्रैंड हिल का, तो मैं वो भी दे देता हूँ एक बार फिर कल, पता नहीं। सबसे पहले तो ये बाहर अच्छे अच्छे पेंटिंग्स लगे हैं, वाटर राफ्टिंग इन रिवर सिंध, बट अभी हम नहीं कर पाए क्योंकि नहीं अवेलेबल था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है इसलिए। और ये तो ठीक है, एक टुलिप गार्डन, टुलिप गार्डन का भी था बट वो नीचे है, वो मैं नहीं दिखा पाऊँगा अभी। उसमें वो टुलिप गार्डन सिर्फ अप्रैल में खुला रहता है, बहुत ही खूबसूरत है, तो वो भी देखना चाहिए। ये देखो, इधर से अंदर जाना है, फिर ये वॉशरूम, वॉशरूम बढ़िया, ये मैं, ठीक है। और ये हीटर है, सब जगह ऐसे ही हीटर होते हैं बट ये ज़्यादा काम नहीं करते हैं। और इधर ये सीन है कि हीटर्स 1 बजे बंद हो जाते हैं, मतलब रात के 1 बजे बंद हो जाते हैं और फिर सुबह के 7 बजे चालू होते हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। और टीवी है, टेबल है, ये इधर से खिड़की है, बेड देख लो, ठीक है। तो अब बहुत ही थक चुका हूँ, बहुत कुछ किया आपने देखा, और थोड़ी सर्दी भी लग गई आज मुझे, वो डल लेक के पास में चल रहा था, कान में कुछ कवर नहीं किया था तो सर्दी हो गई। तो बस सोता हूँ जल्दी से, फिर सुबह भी उठना है 6 बजे, रेडी होके सो रहा हूँ, उठ के सीधा निकल लूँगा फ्लाइट के लिए, ठीक है। तो व्लॉग एंड करते हैं आज के लिए, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू अगेन इन अनदर व्लॉग।